हेलो दोस्तों, मैं विवेक, आपका वी डॉट परिहार इंडिया में स्वागत है। तो चलिए आज एंटरप्रेन्योरशिप की बेसिकली दो तीन टर्म्स देखने वाले हैं जो एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछ ली जाती हैं कभी कभी। तो कौन कौन सी टर्म्स हैं जिनके बारे में आज हम देखने वाले हैं, तो देखो सबसे पहले क्या एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंड देन एंटरप्राइज क्या होता है, एंड देन लास्ट में हम जो देखने वाले हैं वो इंट्रप्रेन्योर्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या है एंटरप्रेन्योर कौन होता है। तो एंटरप्रेन्योर की मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं, अब तक आप लोगों ने समझ लिया होगा कि एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है, एक कोई इंडिविजुअल है जो आइडिया को जनरेट करता है और रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है वो एंटरप्रेन्योर है, जो काम को करता है, जो इनिशिएटिव लेता है। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, अब देखो यार, एंटरप्रेन्योरशिप जिस काम को एंटरप्रेन्योर कर रहा है, कोई इंडिविजुअल कर रहा है, वही एंटरप्रेन्योरशिप है। और एंटरप्राइज क्या है, एंटरप्राइज एक कोई ऑब्जेक्ट है जहां पर काम को किया जाता है। ये 3 चीजें आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना तो आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रहेगा। अब देखो यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, तो देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ एक्शन विच इज एन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक टू एस्टैब्लिश एन एंटरप्राइज। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, जो एंटरप्रेन्योर जो है वो एक्शंस लेता है किसी भी एंटरप्राइज को बनाने के लिए या काम करने के लिए या किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इसको और अच्छे से अगर हम देखें तो देखो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन यहाँ पर आप बहुत अच्छे से देख पाओगे। वो क्या करता है, देखो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करता है कोई भी एंटरप्रेन्योर। इसके बाद जब वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के बाद जब वो रियलिटी में कन्वर्ट करता है अपने आइडिया को, तो वो क्या करता है, देखो जब प्रोडक्ट को डेवलप करेगा उससे पहले उसे कैपिटल रेज करनी पड़ेगी, लेबर हायरिंग करनी पड़ेंगे, ठीक है, और इसके बाद सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्निक एंड सेलेक्टिंग द मैनेजर्स टू जो डे बाय डे वर्कर्स को वर्क को परफॉर्म करेंगे या काम को देखेंगे। तो ये सारे चीजों का जो रिसोर्सेज का कलेक्शन होता है ना, उसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। वही तो प्रोसेस एक फंक्शन है जो कलेक्शन करता है, कौन करता है, ये एक एंटरप्रेन्योर कलेक्ट करता है, और एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होती है, ठीक है, और एंटरप्राइज में ये सारा काम को परफॉर्म किया जाता है। बस यही बात यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। और देन नेक्स्ट अगर चलते हैं तो देखो इंटरप्रेन्योर्स क्या कौन होते हैं। अब देखो इंटरप्रेन्योर्स में परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल टर्म है। इंटरप्रेन्योर्स का मतलब ये होता है वो इम्प्लॉइज जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो सिर्फ ही वो इंटरप्रेन्योर्स कैसे हो गए, क्योंकि वो तो इम्प्लॉइज हो गए ना जो काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। देखो एक एम्प्लॉय जो है वो काम करता है तो एक अलग डेडिकेशन के साथ, मतलब थोड़ा लिथार्जिक टाइप का रहता है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो काम तो कर रहे हैं एज अ सैलरी बेस, लेकिन देखो उनका जो मेन मोटिव होता है वो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना चाहते हैं। वो ऐसे रिएक्ट करते हैं वहां पर एज ए एम्प्लॉई काम करके भी कि वो वहां के जो है वो ओनर्स हैं, ठीक है, थीके? वो क्या करते हैं, नए नए आइडियाज को जनरेट करते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं, अगर कोई भी वर्कलोड आए तो वो एक्सेप्ट करते हैं उस काम को करने के लिए, ठीक है। वो ऐसे काम करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को जो 100% क्या है प्रॉफिट होना ही होना चाहिए, वो कभी काम से पीछे नहीं हटते, ठीक है। तो एम्प्लॉयज ही होते हैं बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन में काम तो करते हैं लेकिन उनका माइंडसेट जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उन्हीं लोगों को जो बोलते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही था, बहुत सिंपल वीडियो थी। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है एम्प्लॉयज में और एंटरप्रेन्योर्स में, तो देखो हैं तो एक ही कैटेगरी के, लेकिन जो इनके कैरेक्टर्स होते हैं, जो इनके फीचर्स होते हैं ना, वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये लोग किसी भी चेंज को तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो हमेशा हार्ड वर्किंग और क्रिएटिव माइंड के होते हैं, ठीक है, तो बहुत जल्दी से काम करते हैं। तो ये बस यही था इस वीडियो में, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, बस।